इधर राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिम संचालक को दोपहिया वाहन पर आए बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। घायल नादिर शाह को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मामला दर्ज कर पुलिस के आला अधिकारी क्राइम टीम पर पहुंचे और मौके पर पहुंची सारी टीम ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। एरिया पड़ता है, यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास कि कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में, तो इनके साथ आज किसी ने इन पर फायरिंग कर लिया। 5 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर हैं उन लोगों किसी को आइडिया नहीं है, तफ्तीश कर रहे हैं। टी ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है, यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास कि कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं।